नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अव्यय, दोस्तों जिसे अभिकारी भी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर परीक्षा में एक मार्क्स का जरूर आता है और अक्सर आप लोग बहुत ही इसमें गलती करते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो अगर आपने आज ये वीडियो देखा पूरा तो आपको पूरा अव्यय एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को तैयार हो जाएगा और उसके बाद कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी ट्रिक्स की, जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने भी अभी तक मैंने अपलोड किए हैं या आने वाले दिनों में जो भी अपलोड करूँगा। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, अगर हम इसे ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो आ प्लस व्यय, व्यय मतलब आपको पता है व्यय, और आ मतलब जो व्यय ना हो, ठीक है। तो अव्यय का मतलब क्या हो गया, जो इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, जो व्यय ना हो, यानी मतलब जो ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे ख़त्म नहीं होता इसका क्या मतलब है, तो ख़त्म नहीं होता इसका मतलब ये है दोस्तों कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब परिवर्तन ही नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, व्यय नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं, बिल्कुल जब व्यय ही नहीं होंगे तो अपने मूल रूप में रहेंगे, और इन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार आपको अव्यय न लिख के अविकारी लिख देगा तो आप सोचेंगे, अगर आपको ये नाम नहीं पता है तो आप सोचेंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग हैं लेकिन सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसे अव्यय भी बोलते हैं और अविकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, जब, तब, अभी, अगर, वहाँ। अब दोस्तों ये सब याद मत करिए, ठीक है, ये मैं आपको भी समझा देता हूँ कि उसके बाद आप लोग जब ये देखेंगे पूरे एग्जांपल को तो आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले वह यहाँ से चला गया। अब वह यहाँ से चला गया, इसमें जो यहाँ है वो हमेशा यही अव्यय है। कैसे है अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यय ना हो, यानी जिसका परिवर्तन ना हो, ना तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के कारण, ठीक है। जैसे देखिए, वह यहाँ से चला गया, इसका मतलब ये क्या है, वह क्या लड़का होगा, मतलब ठीक है, पुरुषवाचक है, ठीक है। अब इस पुरलिंग है, अब चला गया। अब मैं कह दूँ कि सीता यहाँ से चली गई, यहाँ पर मैं चली गई बना देता हूँ, तो भी क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ ही लगा है, ये बदला नहीं, ना तो स्त्रीलिंग से बदला ना पुरलिंग से बदला, ठीक है। वचन बदल देते हैं, चलिए एक वचन अभी है ना, वह यहाँ से चला गया, हम इसे कर देते हैं वे यहाँ से चले गए। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, वे यहाँ से, इसका मतलब वे हो गया यहाँ से चले गए, इस चली को हटा के मैं चले कर देता हूँ, चले गए, और ये यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, वे यहाँ से चले गए। अब भी क्या है, यहाँ क्या है, वही है, सेम टू सेम है, कुछ उसमें बदलाव नहीं हुआ, जबकि हमने क्या कर दिया, एक वचन से बहुवचन कर दिया, लिंग भी यहाँ तक कि हमने बदल दिया, हमने कहा सीता यहाँ से चली गई, लेकिन यहाँ तब भी क्या था, सेम था, ठीक है। अब देखिए, राजू प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पे प्रतिदिन क्या है, ये दोस्तों अव्यय है आपका। क्यों अव्यय है, क्योंकि जो बदलता नहीं है वही सर ने कहा था अव्यय होता है। अब देखिए, राजू को हम हटा कर देते हैं सीता, सीता प्रतिदिन पढ़ती है, ठीक है। अब क्या हुआ, सीता तो लिंग हमने बदल दिया ना, स्त्रीलिंग कर दिया, लेकिन प्रतिदिन बदला नहीं, बदला, जबकि पढ़ता क्रिया जो थी वह पढ़ती हो गई, ठीक है, बदल गया, सारी चीज़ें बदली, लेकिन ये नहीं बदला, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। अब मैं कर दूँ बहुवचन में, कर दूँ वे प्रतिदिन पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमने सारी चीज़ें बदल दी, एक वचन से बहुवचन कर दिया, प्रतिदिन भी यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन अभी भी वैसे ही लगा हुआ, कुछ नहीं बदला। तो इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि जो ना बदले उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय। अब देख लीजिए, जब बदलेगा, नहीं बदलेगा, जब हमेशा वैसे ही रहने वाला है तब भी ऐसे ही होगा, अभी, अगर, वहाँ, मतलब वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी में भी इस्तेमाल हो, एक वचन बहुवचन हर जगह वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इधर उधर ऐसा थोड़ी, इधर हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं और पुल्लिंग के लिए नहीं करते हैं, हर चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अव्यय हो गई। तो दोस्तों अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं भी याद करनी है तो सिर्फ आप एक चीज़ पकड़ लीजिए कि क्या चीज़, जो व्यय ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं, यानी जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले, चाहे वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, किसी के कारण भी ना बदले, तो वो आप चीज़ें जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आप पहचान लेंगे, ठीक है।
तो चलिए अब देख लेते हैं अव्यय के भेद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में भेद से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपने देखे होंगे। तो अव्यय के कितने भेद हैं दोस्तों? पांच भेद हैं। अब आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा कि चार भी होते हैं, ठीक है, लेकिन पांच ही मान के चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स में पांच ही दिए गए हैं। और आजकल जो ये निपात जिसको हटा के कुछ बुक दिखाते हैं, आजकल परीक्षा में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे छोड़ के मत आइए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। आप सोचेंगे निपात तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन सब कुछ पढ़िए, ठीक है। और जिनको चार मानना भाई, वो चार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा में कमेंट मत करिएगा कि सर ने आपने गलत पढ़ा दिया। तो ये देख लीजिए, सबसे पहला क्या है, कौन कौन से हैं पांच भेद? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है देख लें जाके, उसके बाद क्रिया विशेषण में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर उनको वो लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए मैंने उसे अलग से टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। बाकी चीज़ों में मैं पूरा ध्यान दूंगा और इसे भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ें। अब देख लीजिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या कहते हैं, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जैसे नाम से ये क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की क्या करता है, विशेषता बताता है, ठीक है, तो पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये क्या है सर, इससे तो मुझे कुछ पता नहीं चला, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल में क्या देख रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब अगर मैं बोल देता दोस्तों घोड़ा दौड़ता है, सिर्फ बोल देता घोड़ा दौड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने कहा तेज दौड़ता। अब ये क्या कर रहा है, और विशेषता बता रहा है क्रिया की, क्रिया क्या है, दौड़ना है, तो तेज दौड़ता है, मतलब वो तेज दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धीमे दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, अब मैं सिर्फ बोलूँ बच्चे चल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, लेकिन मैंने क्या बता दिया, धीरे धीरे चल रहे थे, मतलब मैंने उनकी विशेषता बता दी कि सिर्फ नॉर्मली नहीं चल रहे थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे या तेज तेज चल रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़। अब जैसे देखिए, सुमन सुंदर लिखती है, अब सुमन सुंदर लिखती है तो सुमन तो लिखती है वो तो ठीक है, लेकिन कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है, ठीक है, ये हमने उसकी और विशेषता बता दी। तो ये सारी चीज़ें क्रिया विशेषण के टॉपिक में मैंने ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको क्रिया विशेषण का वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी की, संबंध बोधक अव्यय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब दोस्तों ये आप परिभाषा पढ़ के रट के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ समझाने आया हूँ, तो वही चीज़ मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देखिए, संबंध बोधक, संबंध में मैं ट्रिक बताऊँगा, दो तीन ट्रिक बताऊँगा इसलिए, क्योंकि अलग अलग ट्रिक अलग अलग काम में आएगी। एक ट्रिक मैं वो बता रहा हूँ जो अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो उतना तो याद ही कर लीजिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे बता दूंगा। और बाकी अभी मैं एक एक करके तीनों ट्रिक को बताता हूँ, क्योंकि तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। संबंध बोधक में लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ के कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, संबंध बोधक में सबसे पहला जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर वन, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहती हैं चीज़ें। स्पेसिफिक इंग्लिश का वर्ड है, मतलब कहने का मतलब डिटेल में, ठीक है, डिटेल में रहती हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ कि डिटेल में रहती हैं वो चीज़ें। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूँ किताब जो है टेबल पर रखी है, ठीक है, टेबल पर रखी है। अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि टेबल के ऊपर रखी है या नीचे रखी है, ये सब चीज़ें क्या है, डिटेल में रखी बता रहा हूँ आपको। वह आदमी घर के बाहर खड़ा है, मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि आदमी खड़ा है, मैं कह रहा हूँ घर के बाहर खड़ा है, इसका मतलब क्या, और आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो स्पेसिफिक ये इंग्लिश का वर्ड है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग जानते ही होंगे, इसे इस ट्रिक से जानेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी मैं और भी ट्रिक बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ पकड़ लेंगे तो सबसे ज़बरदस्त ट्रिक यही है कि आपको इसे
कोई भी, इतने दोस्तों देखिए मैंने तो इतने लिखे हैं, लेकिन ये सिर्फ इतने ही नहीं है, संबंध बोधक अव्यय होंगे लगभग 50 से 60 आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉमनली पूछे जाते हैं वो 10 से 12 ही हैं, ठीक है। तो मैंने वो तो बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप ये जानेंगे तो इसके अलावा भी कुछ आएगा तो आप बता ले जाओगे, ठीक है। तो डिटेलिंग मतलब डिटेल में अंदर डीपली नॉलेज पूरा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब डिटेल, डिटेल में चीज़ों का अध्ययन। अब जैसे वह आपके पीछे खड़ा है, तो वह आपके पीछे खड़ा है, इसका मतलब आप पूरी डिटेल में बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि सिर्फ खड़ा है, आप वह खड़ा है, वह आदमी खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है, वो आपके पीछे खड़ा है, इसका मतलब आप डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। वह छत के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, और डिटेल में बता रहे हैं, वह छत पर खड़ा नहीं है, वह छत के ऊपर खड़ा है, नहीं तो आप तो कह सकते छत के नीचे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, इसका मतलब आप क्या करें, जब भी डिटेल वाली चीज़ें आएँ तो आप उससे समझ जाइए कि वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, बस ये इतनी चीज़ अगर आपको तैयार हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक नंबर टू क्या है दोस्तों, ट्रिक नंबर टू ये थोड़ी सी एक कहानी टाइप की, बड़े आराम से सुनिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक सेकंड क्या है, जब देखिए सबसे पहले जो जो मैं बताता जाऊंगा उसका आप विलोम भी निकाल लेना, क्योंकि विलोम जब कर लोगे तो एक साथ दो दो चीज़ें तैयार होंगी। जैसे देखिए संबंध क्या होता है, संबंध मतलब संबंधी, याद कर लीजिए संबंधी यानी कि आपके रिश्तेदार जो हैं वो जब कहाँ से आते हैं, दूर से आते हैं, दूर से आते हैं, ठीक है, दूर से आते हैं, तो आप क्या करते हैं, बाहर वाले कमरे में बैठाते हैं उनको, बाहर वाले कमरा मतलब सबसे जो बाहर का होता है ड्राइंग रूम, उसमें आप लोग उनको बैठाते हैं, फिर क्या करते हैं उनसे कहते हैं कि चलिए ऊपर घूम के आते हैं, ठीक है, ऊपर घुमाने ले जाते हैं उनको, फिर क्या कहते हैं, जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं आप, आगे आगे आप खुद जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो रास्ता पता नहीं होता है, तो इस तरीके से आप उनको ऊपर ले जाते हैं, घुमाते टहलाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। अब मैंने क्या कहता है, इन सब का विलोम भी, अब वो दूर से आते हैं संबंधी, तो दूर का विलोम क्या होता है, पास, तो इसका मतलब पास भी क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, दूर तो है ही संबंध, पास भी हो जाएगा। अब जब आप बाहर वाले कमरे में उनको बैठाते हैं तो इसका मतलब उसका विलोम क्या होता है, अंदर भी होता है, ठीक है, तो अंदर भी क्या हो जाएगा आपका, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। फिर क्या, आप उनको ऊपर ले जाते हैं छत पे घुमाने या कहीं ले जाते हैं अपने यहाँ पे, तो ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर का विलोम क्या होता है, नीचे होता है, तो इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा आपका, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, आप आगे आगे जाते हैं उनसे, क्योंकि उनको तो रास्ता नहीं पता रहता है ना, तो जब आप आगे जाते हैं तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ने चार चीज़ें याद की, चार के साथ आपको आठ अपने आप पता चलेंगे, क्योंकि वो विलोम होती है, दूर का पास, बाहर का अंदर, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, तो आठ आपको ऐसे याद होगी। अब देखिए, अब जिनको ट्रिक वन भी ना समझ में आई हो, ट्रिक टू भी ना समझ में आई, उनके लिए है ट्रिक नंबर तीन, और वो क्या है दोस्तों, कि इससे आप सब क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर परीक्षा में दो क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम एक तो कर ही ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है। और वो क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिए, सिर्फ इतना याद कर लीजिए जिनको ये ट्रिक भी ना समझनी हो, पहले, ठीक है, बिना, बिना हो गया आपका ऊपर, ऊपर भर, और आपका फिर हो जाएगा बाद, बस इतना याद कर लीजिए, तो आपका पेपर में, मैं कहता हूँ ज़्यादातर पेपर में तो आपका इन्हीं में से फंसेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार इन्हीं से पूछा ही जाता है, लेकिन अगर ये आपको पता है तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, पहली दोनों ट्रिक अगर आपको पता है, तीसरी ट्रिक पता है तो वो बाई चांस अगर आपको फिर भी उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। अब ठीक है, भर सब तो आपको समझ में आएगा, आप सोच रहे होंगे भर कहाँ पे यूज़ होगा, तो दोस्तों भर होगा जैसे वह रात भर पढ़ता है, रात भर, दिन भर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भर के साथ इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आप वो चीज़ें कर लेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, स्पेसिफिक हो रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है, स्पेसिफिक हो रहे हैं यानी कि डिटेल में जा रहे हैं। तो मैंने बताया था जब भी डिटेल की बात आए कि सिर्फ वृक्ष पर पक्षी बैठा इतना नहीं, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल उसी के हैं। अब धन के बिना कोई काम नहीं होता, ठीक है, तो धन के बिना कोई काम नहीं होता, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, बिना, जो कि मैंने ट्रिक नंबर थर्ड में भी बताया था, डिटेल में भी यही होगा कि मतलब धन के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, ये आप क्या कर रहे हो, डिटेल में बता रहे हो उसके बारे में, ठीक है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ ट्रिक नंबर ये थर्ड में बताया भी है कि बिना, ये बहुत ही इस्तेमाल होता है, ठीक है,
तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, धन के बिना कोई काम नहीं होता। अब देखिए मकान के पीछे गली है, तो इसमें क्या डिटेल बता रहा है कि मकान के ही पीछे गली है। और बाकी मैंने जो ट्रिक नंबर 2 और ये सारी बताई थी उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मकान के पीछे गली, सिर्फ मकान के बगल में गली है ऐसा नहीं, पीछे आगे कुछ भी हो जाए, मतलब जब आप डिटेल की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, तो देखिए पहले बता दिया और डिटेल बता दिया, मैं सिर्फ स्नान करता हूँ इतना नहीं, मैं पूजा से पहले स्नान कर लेता हूँ, ये और डिटेल बताया। राम भोजन के बाद जाएगा, अब यहाँ पे बाद जाएगा, ये डिटेल आपने बता दी है कि बाद में जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने बाकी ट्रिक में भी बताई, तो तीनों में से जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मोहन दिन भर खेलता है, भर का मैंने बताया था ना अभी, तो वही चीज़ है, मोहन दिन भर खेलता है। मोहन सिर्फ खेलता ही ये नहीं, मोहन दिन भर खेलता है, मैंने और डिटेल आपको दी थी। वो जब डिटेल वाली चीज़ें आएंगी स्पेसिफिक, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी संबंध बोधक हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक की, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता वो संबंध बोधक में होता, समुच्चय बोधक ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि करके, जब जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, इन्हें योजक भी कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, अब जोड़ने का काम और, तथा, लेकिन इन सब से ही होता है। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि आपको पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, आंधी आई और पानी बरसा, अब आपने जोड़ दी, आंधी आई एक अलग चीज़ थी और पानी बरसा, इन दोनों को किससे आपने जोड़ा, और से जोड़ दिया, ठीक है। आंधी आई तथा पानी बरसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर दी। आंधी आई अतः पानी बरसा, आंधी आई तो पानी बरसा, बादल आए अतः पानी बरसा, ऐसे करके कर सकते हैं ना। अब देखिए, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। परंतु यहाँ पर क्या हो गया, आपने जोड़ दिया परंतु लगा के, अब परंतु के जगह पर आप बहुत सी चीज़ें यूज कर सकते हैं, क्यों, देखिए परंतु कर दीजिए, लेकिन का यूज कर सकते हैं। मंजुला पढ़ने में तो तेज है लेकिन शरीर से कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर लेकिन लिख लीजिए तो लेकिन जैसा कहीं भी शब्द आए तो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेकिन के जगह पे हम परंतु का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं, मंजुला पढ़ने में तो तेज है मगर शरीर से कमजोर है, इसका मतलब आप क्या, मगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन के जगह पे। तो आप सिर्फ समुच्चय बोधक में क्या याद रखिए, और याद रखिए, और याद रखिए, तथा तो और जैसा ही इस्तेमाल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं करना पड़ेगा। और एक शब्द याद कर लीजिए, लेकिन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज, अब लेकिन से रिलेटेड कोई भी हो, जैसे कि मैंने बताया परंतु भी यूज़ कर सकते हैं, मगर भी यूज़ कर, मतलब लेकिन का शाब्दिक अर्थ परंतु मगर यही सब आता है। और देखिए क्या, मंजुला पढ़ने में तो तेज है किंतु, अब हम यहाँ पे किंतु भी यूज़ करते हैं, किंतु शरीर से कमजोर है, इसका मतलब किंतु भी क्या है, लेकिन जैसा ही है, ठीक है। फिर देखिए, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, इसका मतलब आप परंतु भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्या है, लेकिन जैसा ही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों लेकिन से रिलेटेड देखिए आपको कितने शब्द मिल गए, परंतु, मगर, किंतु, ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप कर सकते हैं, इसलिए, और ये सारी चीज़ें क्या, जोड़ने वाली चीज़ें हैं, जो जहाँ भी जोड़ने वाली चीज़ें हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम जाओगे कि मैं जाऊँगा, अब आपने क्या किया, कि से आपने जोड़ दिया चीज़ों को आपस में, ठीक है, नहीं तो आप फिर तुम जाओगे ही बोल के शांत हो सकते थे, लेकिन नहीं, आपने कहा तुम जाओगी कि मैं जाऊँगी। मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ ना सका, आपने क्या किया, आपने लेकिन लगा के दोनों शब्दों को जोड़ दिया, इधर वाले को इसके साथ लेकिन के साथ जोड़ दिया। तुम जाओगे या वह आएगा, ठीक है, तुम जाओगे या वह आएगा, इसमें आपने क्या, या जो है आपका ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। फिर सुनील निकम्मा है इसलिए सब उसे घृणा करते हैं, दोस्तों ये घृणा ऐसे होगा, ठीक है, घृणा करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक। गीता गाती है और मीरा नाचती है, यहाँ पे और आपने क्या किया, जोड़ दिया, और के कारण दोनों आपस में जुड़ गए। तो जहाँ भी जुड़ने वाली चीज़ें आएंगी, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, हैं, मतलब इस टाइप के, तो वो क्या हो जाएगा, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं और उसी को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक है। आप बात कर लेते हैं विस्मयादिबोधक, दोस्तों इसमें कुछ ऐसा रखा नहीं है, सभी लोगों को पता होगा कि
कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, ये सारी चीजें भाव का पता चलता है उन्हें विस्मय आदि। जैसे हाय हाय वह चल बसा, ठीक है, आ क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे हैं, ठीक है, ये सारी छी छी या गंदगी, मतलब आप क्या कर रहे हैं, विस्मय आदि, ग्लानि हो रही, लज्जा हो रही, घृणा हो रही, दुख हो रहा, आश्चर्य हो रहा, ये सारी चीज़ें आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निपात अव्यय की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस समय परीक्षा में बहुत ही देखा गया है, नए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें निपात से पूछा जा रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट जिन्होंने आज तक निपात का नाम भी नहीं सुना है, वो तो पहली बार परीक्षा में ही जाके उनको पता चलता है कि निपात भी कुछ होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दे लीजिए और ढंग से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं, कोई मतलब नहीं इससे कुछ नहीं। मेन क्या है, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं, इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको निपात की जगह अगर अवधारक मिल गया तो आप सोचेंगे ये क्या आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये इसे क्या कहते हैं, और निपात को ही अवधारक शब्द भी कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ट्रिक कैसे पहचानेंगे आप, मैं बताता हूँ आपको ज़बरदस्त ट्रिक कि आपको निपात पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या होगा, जोर देना, मतलब किसी पे किसी चीज़ पे भी जोर देना वो क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, आप सोचेंगे सर ये क्या जोर देना क्या हो गया, तो चलिए बता देते हैं। जैसे देखिए राम ने ही रावण को मारा था, अब आप जोर क्या देना, कह रहे हैं राम ने ही यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया कि भैया राम ने ही रावण को मारा था और किसी ने नहीं मारा था, आप जोर दे के कह रहे हैं। ठीक है, सीता का हरण किसने किया था, सीता का हरण रावण ने ही किया था, तो ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, जोर दे रहे हैं। तो जिस शब्द से आप जोर देने का पता चले उसे ही क्या कहते हैं, निपात। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, अब देखिए रमेश भी दिल्ली जाएगा, आप जोर दे रहे हैं रमेश भी दिल्ली जाएगा वरना कोई नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, जोर दे रहे हैं ना, भी से यहाँ पता चल रहा है रमेश भी। अब आप कहेंगे रमेश दिल्ली जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कहेंगे रमेश भी दिल्ली जाएगा इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। और सर ने बताया था जहाँ भी जोर देने वाली चीज़ आए वाक्य में तो वो क्या हो जाता है, निपात अव्यय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, अब देखो तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तो अगर मैं बोल देता तुम कल जयपुर जाने वाले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कहता तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, इसका मतलब मैं जोर दे रहा हूँ कि तुम तो यार कल जयपुर जाने वाले थे, यहाँ कैसे बैठे हो। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए राम ही लिख रहा है, अब आप कह रहे हैं राम ही लिख रहा है और कोई नहीं लिख रहा है, मतलब आप जोर दे के कह रहे हो यार मैंने देखा अपनी आंखों से राम ही लिख रहा था और कोई नहीं लिख रहा था, तो ये क्या हो गया, जोर दे रहे हैं भाई, जहाँ पे भी जोर आए वो क्या होगा, निपात हो जाएगा आपका। सुहाना भी जाएगी, आप देखिए सुहाना जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुहाना भी जाएगी इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भैया सुहाना भी जाएगी है, आप मानो या ना मानो जाएगी वो। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे भी जो होगा वो आपका निपात हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये रटवा दूँ कि नहीं भैया भी थी तो ये सारी चीज़ें निपात में आती हैं, तो वो नहीं है, जहाँ पे ज़रूरी होगा ट्रिक बन सकती है तो वहाँ पे मैंने बनाई है कि देखिए ट्रिक क्या याद रखना है, जोर, जहाँ भी जोर आए वो क्या हो जाएगा, आपका निपात हो जाएगा। और दोस्तों जो संबंध बोधक अव्यय में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, उन तीनों चीज़ों को अगर आप याद कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं याद कर सकते हैं तो जो थर्ड वाली ट्रिक बताई थी वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे वो उसमें मैंने बता दी, क्योंकि परीक्षा में उन्हीं से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर उनसे अलग पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए या तो तीनों को या दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप दोस्तों देख लीजिए इतना अव्यय पढ़ाने के बाद आप लोगों के लिए ये तीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तीनों क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, तो बाकी सब लोग देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कोई भी गलती नहीं करेगा क्योंकि मैंने बड़े ही आराम से और बहुत ही अच्छी ट्रिक से आप लोगों को समझाया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा अव्यय का, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अब इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों का अव्यय में कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप लोग परीक्षा में जहाँ भी जाएंगे तो आप लोग ये अगर आपने ढंग से ये वीडियो पूरा देखा है
तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 24 वीडियो हिंदी ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं, तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ट्रिक्स के देख सकते हैं। अगर आपका आज से रिलेटेड वीडियो से कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करें। आप अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना के आप तक पहुँचाया जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।